नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। शिव संकल्प मनुष्य के मन का धर्म कल्पना करना है। जागृति में मनुष्य का मन तर्क वितर्क कुतर्क के बिना रह नहीं सकता है। यदि मनुष्य का मन संकल्प विकल्पात्मक कल्पना करता ही रहेगा तो फिर उसके ठीक प्रकार की कल्पना करने की शिक्षा क्यों न दी जाए। सुशिक्षा के बिना मन कुतर्क करेगा और गिरेगा। सुशिक्षा से मन उत्तम मार्ग पर चलता हुआ उत्तम संकल्प करके अपनी अवस्था उच्च बना सकता है। मनुष्य की उन्नति की कोई अवधि नहीं है। मनुष्य का अभ्युदय मर्यादा से परिमित नहीं है, परंतु जब वह अपने ही कुतर्कों से परिमित होता है तब मनुष्य के सामने उदासीनता उत्पन्न होती है। इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने सिद्धांत बनाया है, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उनके स्वातंत्र और पारतंत्र का कारण है। उत्तम सुसंस्कारों से शुद्ध मन धारण करने वाले मनुष्य स्वातंत्र सुख अर्थात मुक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं, और जिनका मन गुलामी के कुत्सित विचारों से परिपूर्ण होता है वे सदा परतंत्रता के विविध बंधनों में सड़ते और मरते रहते हैं। मन की शक्ति इस प्रकार विलक्षण है, मन ही कल्पतरु है। कल्पनाओं का तरु अर्थात वृक्ष मन ही है। जैसी कल्पना आप करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आपके मन की इतनी विलक्षण शक्ति है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा जैसी चाहे वैसी कल्पना मन में आ जाएगी और आपका परिणाम बड़ा भयानक हो जाएगा। इसलिए वेद ने कहा है, सुसारथिरश्वानी व यन्मनुष्यानन्यते आभिर्सुरभिर्वा जिनयैव हृतप्रतिष्ठं यदजिरं जवेष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र संख्या 6। जिस प्रकार उत्तम सारथी रथ के घोड़ों को लगामों के द्वारा उत्तम मार्ग पर ही ले जाता है, उस प्रकार जो मन मनुष्य के इंद्रियों को चलाता है वह हृदय निवासी उत्साही और वेगवान मेरा मन सदा उत्तम संकल्प करने वाला होवे। वेद यह उत्तम उपदेश देते हुए कहते हैं, परंतु क्या इस प्रकार वैदिक धर्मी चल रहे हैं? जो मनुष्य इस उपदेश के अनुसार अपने मन की शक्ति को जानेंगे और उस विलक्षण शक्ति को अपने स्वाधीन रखकर योग्य कर्म में ही उस शक्ति का उपयोग करेंगे, वे लोग ही इस लोक में अभ्युदय और परलोक का निःश्रेयस निसंदेह प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक धर्म का यह प्रताप है कि यह धर्म जहाँ रहेगा वहाँ अभ्युदय और निःश्रेयस सदा प्रकाशित होते रहेंगे। वैदिक धर्म के होने का तात्पर्य आचरण होने से है, न कि केवल विचार और उच्चारण से। केवल विचार उच्चारण और लेखों में वैदिक धर्म को रखने वाले कभी उन्नत नहीं हो सकते। यहाँ कटिबद्ध होकर सदा शुद्ध आचार की महात्म है। उक्त वेद मंत्र का दिव्य उपदेश आचार प्रधान नहीं है, इसलिए पाठकों से प्रार्थना है कि जो कुछ वे वेद मंत्रों में पढ़ेंगे शीघ्र ही आचरण में लाने का यत्न करें। यह समय तोते के समान कंठ करने वाले वेद भक्त थे। एक समय ऐसा था, अब अर्थ का डंका बजाने वाले वेद भक्त हो गए हैं। आचरण की दृष्टि से दोनों के पास शून्य ही है। मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इस मंत्र का केवल पाठ करने वाले और केवल अर्थ जानने वाले
दोनों तब तक उन्नत नहीं होंगे जब तक वे अपना मन शुभ संकल्प में नहीं करेंगे। एक कुली था जिसके सर पर खांड की बोरी थी, परंतु उसको बोरी के अंदर क्या वस्तु है इसका पता नहीं था। उसके पीछे से दूसरा कुली आया, उसको पता था कि अपने सिर पर की बोरी में मिश्री है, परंतु वह बोरी का स्वामी न होने के कारण उसको खा नहीं सकता था। मिश्री का आस्वाद लेने की दृष्टि से दोनों का अधिकार भार सहने का है। इस प्रकार वेदों को केवल कंठ करने वाले और केवल घमंड के साथ अर्थों का शास्त्रार्थ करने वाले दोनों नीचे ही रहेंगे, परंतु जो वेद के उच्च उपदेश के समान अपना आचरण बनाएगा वही उच्च पदवी पा सकता है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा वेद के उपदेश के अनुसार स्वयं आचरण करना और वैसा ही उत्तम आचरण करने के लिए दूसरों को प्रेरणा करना उच्च श्रेणी के मनुष्यों का परम धर्म है। इसलिए उक्त मंत्र का विचार मन में सदा जागृत रहिए। शरीर रथी आत्मा, बुद्धि अहम रथ, मन सारथी, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय रथ के घोड़े हैं, नासिका जिभ्या नेत्र त्वचा कर्ण कर्मेंद्रिय रथ के घोड़े हैं, पांव उपास्थ मुख गुदा हाथ। शरीर रूपी इस उत्तम रथ में जीवात्मा बैठा है और उस रथ को 10 घोड़े जोते हैं। मन इस रथ में सारथी है और आत्मा प्रवासी है, मालिक स्वामी धनी इंद्र जीवात्मा ही है। जहाँ वास्तव में उसको जाना है उसी जाने वाले मार्ग पर इस रथ की गति होनी चाहिए। यदि मन रूपी सारथी शराब पीकर उन्मत्त होगा, यदि 10 घोड़े अपने योग्य मार्ग को छोड़कर जिधर चाहे उधर भटकेंगे तो इस शरीर की और प्रवासी जीवात्मा की कैसी अवस्था होगी, आप ही सोच सकते हैं। और पश्चात आप अपनी अवस्था में भी सोचिए, क्या आप अपने मन इंद्रिय और शरीर के सच्चे स्वामी बने हैं? क्या आपके हित के मार्ग पर से आपका मन सब इंद्रियों को चला रहा है? क्या क्रोध काम आदि घातक पत्थरों से युक्त भयानक स्थानों में आपका रथ नहीं जा रहा है? क्या सब मनोविकारों पर आपका प्रभुत्व स्थापित हुआ है? क्या आपका मन कभी कुविचारों के गड्ढे में मूर्छित होकर पड़ता नहीं है? क्या आपका मन सदा शुभ कल्पनाओं में और शुभ कर्मों में ही रमता है? यदि नहीं तो आपको उचित है कि वैदिक धर्म के शुभ नियमों के अनुकूल चलकर आप अपने मन के उत्तम स्वामी बन जाइए। दूसरे व्यवहार आपके काम नहीं आएंगे। जो इस बात को छोड़कर दूसरे ही कार्यों में लगता है वही दस्यु होता है। देखिए वेद क्या कहता है, अकर्मा दस्यु रभीनो यमंतु रण्य व्रतो यमानुसह, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 22 मंत्र 8। मनुष्यों में दस्यु वही होता है कि जो अकर्मा पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं करता है, अमंतु सुविचार नहीं करता है, अन्य व्रत दूसरे ही कार्य करते रहता है और उन्नति के कार्यों को छोड़ देता है, और जो अमानुष मनुष्य के अयोग्य कुत्सित कर्म करता रहता है, ये दस्यु के लक्षण है। आलस्य अविचार कुकर्म और अमानुष क्रूर कर्म ये चार लक्षण है कि जिससे दस्यु पहचाने जाते हैं। हर एक को सोचना चाहिए कि अपने द्वारा किस श्रेणी के कर्म हो रहे हैं। आप जानते हैं कि सुख बाहर से प्राप्त नहीं होता, आपकी मानसिक अवस्था पर ही सुख अवलंबित है। आप सुखी हैं या दुखी हैं इसका विचार कीजिए। आपको दुख होने पर आप दूसरों को बुरा भला कहने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, यही बड़ी भारी गलती है। यही प्रवृत्ति बहुत बुरी है। अपने मन की अवस्था के कारण ही आपको दुख हो रहा है। देखिए सोचिए और अपने मन की परीक्षा कीजिए, क्योंकि वेद कहता है कि भद्रो नो अपि वाताय
मनो दक्षमूता क्रतुम। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 25 मंत्र 1। मन को भद्रम शुभ विचारमय दक्षम दक्षता से युक्त और क्रतुम पुरुषार्थ के विचारों से उत्साही बनाइए, फिर आपके पास दुख कहाँ रहेगा। इसलिए कहा है कि मनो यज्ञेन कल्पन्ताम। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 29। मन सत्कर्मों में लगाइए, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको छोड़कर यदि आप अन्य कुव्यवहारों में अपना कदम बढ़ाएंगे तो आप अन्य व्रत होने के कारण दस्यु बनेंगे। अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। अश्लील उपन्यास, निंदा से भरे हुए अखबार, व्यर्थ गपों के पुस्तक, निरर्थक गपाष्टक आज में अपना समय न गंवाएं। गया हुआ समय फिर नहीं मिलेगा। जो समय है उसका अत्यंत योग्य उपयोग कीजिए, क्योंकि वेदों ने कहा है, आयुर यज्ञेन कल्पन्ताम प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम चक्षुर यज्ञेन कल्पन्ताम श्रोत्रम यज्ञेन कल्पन्ताम वागम यज्ञेन कल्पन्ताम मनो यज्ञेन कल्पन्ताम आत्मा यज्ञेन कल्पन्ताम ब्रह्मा यज्ञेन कल्पन्ताम ज्योतिर यज्ञेन कल्पन्ताम स्वर यज्ञेन कल्पन्ताम पृष्ठम यज्ञेन कल्पन्ता यज्ञो यज्ञेन कल्पन्ताम। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 19। हे लोगों, आपको उचित है कि आप अपनी आयु, प्राण, चक्षु, सूत्र, वाणी, मन, आत्मा, ज्ञान, तेज, स्वत्व आदि सब कुछ जो कुछ अपनी शक्ति है वह सब सत्कर्म के लिए अर्पण कीजिए, क्योंकि सत्कर्म के बिना जो आयु चली जाती है वह व्यर्थ है। समय पर योग्य सत्य कार्य करने का अभ्यास कीजिए, जिससे आप थोड़े समय में बहुत सत्कर्म कर सकेंगे। यदि आप सत्कर्म करने में देरी करेंगे तो निश्चय जानिए कि उन्नति होने में ही उतनी ही देरी लगेगी। अपने पास आत्मविश्वास रखिए, बोलने चालने में अपना विश्वास और अपनी अचल श्रद्धा को बताइए। श्रद्धा और विश्वास ही उच्चता प्राप्त होती है। अपने विषय में जिसको संशय है वह अवश्य गिर जाता है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं वह अधोगति में जाता है। अपनी शक्ति, अपना प्रभुत्व और अपनी दक्षता पर निश्चय पूर्वक पूर्ण विश्वास रखिए। वेदों ने कहा है कि स्वम महिमानमायजताम लेट हिम वर्शिप हिज वन मैजेस्टी। अपने प्रभाव का गौरव अपने मन में रखिए, इसी से आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी शक्ति बढ़ती है। अपने आप को तुच्छ समझने वाले प्रतिदिन तुच्छता की ओर ही जाते हैं। अपने विषय में अविश्वास होने से अंत में मनुष्य सब प्रकार से निकम्मा हो जाता है। जो विचार आप मन में रखेंगे वैसे ही आप बनेंगे, इसलिए शिव संकल्प करना सदा उचित है। यदि दूसरों का विश्वास आप पर न हो तो उसकी परवाह न कीजिए, क्योंकि दूसरों के विश्वास से आपकी उन्नति नहीं होगी। विरोधियों के साथ युद्ध करते हुए और अपना सामर्थ्य बढ़ाते हुए आप विजयी हो सकते हैं, परंतु यदि अपना विश्वास आप पर न होगा तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। जब आप दिन रात मैं हीन और दीन हूँ ऐसा जपते जाएंगे, तब आपको उठाने वाली शक्ति जगत में कोई नहीं होगी। वेद कहता है कि अधीना श्याम सरदह सतम। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 22। अधीनता का जप कीजिए, मैं कभी दीन नहीं होऊंगा, मैं सदा श्रेष्ठ होऊंगा, मैं पराजित नहीं होऊंगा, मैं स्वयं श्रेष्ठ होकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं अपने दीनता को दूर करके दूसरे दीनों का उद्धार करूंगा। इस प्रकार के उच्च वैदिक विचार सदा मन में रखिए। मनुष्य जैसा
विचार करता है वैसा ही बन जाता है। मन की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप अपने मन को कमजोर समझते हैं, परंतु वास्तव में आप देखिए, आपका मन बड़ा ही शक्तिशाली है, उसमें अपार शक्ति है। इसलिए वह बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें शक्ति न होती तो बुरे कर्म भी उससे न होते। इसलिए बुरे कर्मों से अपने मन को रोकिए और उसका मार्ग अच्छा कीजिए। बस इतना करने से ही आपके मन का तेज चमकने लगेगा। मन के प्रभु बनकर रहिए, उनके मन का गुलाम बनकर परतंत्र न रहिए। इसलिए धर्म प्रवृत्त हुआ है। अपनी कमजोरियों को चाहे आप न जानिए, केवल अपनी शक्ति को सबसे प्रथम जानिए। दूसरों की कमजोरियों का विचार भी छोड़ दीजिए। या दूसरों का विचार करना है तो आप उनके श्रेष्ठ गुणों का विचार कीजिए। इससे आपके मन में श्रेष्ठ गुणों का वायुमंडल जमा हो जाएगा। मुख से अच्छे शब्द बोलिए, कान से अच्छे शब्द सुनिए, आंख से अच्छे ही पदार्थ देखिए और शरीर से अच्छे ही कर्म कीजिए। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 89 मंत्र 8। यह वेद का उपदेश है। जब आप अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दूसरों के मत मतांतरों का खंडन करने में प्रवृत्त होते हैं, तब दूसरों के छोटे से दोष का पर्वत बना देते हैं। इससे गुण ग्राहकता कम हो रही है। जिस प्रकार मधु मक्षिका वृक्षों के कांटों की ओर न देखते हुए फूलों का मधु ग्रहण करती रहती है, उसी प्रकार दूसरों के कांटों में आप न फंसते हुए जहां से आपको मधु मिले लेते जाइए। आप कांटों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, फूलों को इकट्ठा कीजिए, यही धर्म है। द्वेष करने वालों पर प्रीति कीजिए, क्रूरों पर दया कीजिए, दुख प्राप्त होने पर हंसने का अभ्यास कीजिए, दुख देने वालों का भी स्वयं अहित न कीजिए। सारांश कि आपसे सदा अच्छे श्रेष्ठ विचार उच्चार आचारों का ही स्रोत चलता रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। दुनिया के कष्टों में अपनी ओर से आप कष्टों की संख्या न बढ़ाइए, परंतु अपने शुभ संकल्पों से विश्व में शुभ विचारों की लहर फैलाइए। शिव संकल्प अपने मन में सदा जागृत रखिए। किसी प्रकार की अशुभ अशुभ अभद्र बात अपने मन में कभी ना आने दीजिए। उत्साही और आत्मविश्वासी श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहिए। अपने घर में और घर के बाहर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए कि जो शुभ वायुमंडल से पवित्रता बनाने वाली हो। उच्चता अभ्युदय और उन्नति साधन करने का यही सत्य मार्ग है। इसी से भिन्न नीचता औन्नति और दुख स्थिति प्राप्त करने वाले कुमार्ग हजारों हैं। कुमार्गों के प्रलोभनों में न फंसते हुए निश्चय से एक शुद्ध वैदिक धर्म के सत्य मार्ग पर से ही चलिए। सत्यनिष्ठा अर्थात सत्य का आग्रह ही इस मार्ग का नेता है। जहां आप सत्य से दूर होंगे, वहां आप धर्म से भ्रष्ट हो सकते हैं। आपकी शांति प्रसन्नता सुख आनंद और शक्ति की हानि दूसरा कोई नहीं कर सकता, जब तक कि आप ही इनका विरोध न करें। न जानते हुए आप मनोविकारों की कुत्सित भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और नाना प्रकार के हीन प्रलोभनों में फंस जाते हैं। दूसरों की व्यर्थ निंदा में कालक्षेप करते हैं। बड़े पुरुषों का महत्व सहन न होने के कारण निष्कारण उनका मत्सर करते हैं। क्रूरता का अवलंबन करके दूसरे के घात से अपनी उन्नति करने की व्यर्थ इच्छा धारण कर रहे हैं। कामोपभोग की लालसा तृप्त करने के लिए दूसरों के सतीत्व की आहुतियां लेने का भयानक प्रयत्न किया जाता है। अयोग्य महत्वाकांक्षा में अपना सब जीवन व्यर्थ खो रहे हैं। कई लोग अपने अज्ञान का ही घमंड धर कर मूढ़ हो रहे हैं। ये ही मन के भाव है कि जो आत्मा की प्रसन्नता का नाश कर रहे हैं। इसलिए वेद कहता है कि मे मनः शिव संकल्प मस्तु। देखिए वेद का कितना उच्च उपदेश है। मन जब शिव संकल्प करने लगता है तभी उसकी योग्यता बढ़ती है।
उसका तेज फैलने लगता है और वह जो कहता है वह बन जाता है। शिव संकल्प करने वाला मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ सब शुभ मंगल बना देता है, बुरे समय को भला बना देता है, क्योंकि उत्साहपूर्ण अमृत का स्रोत उसके अंतःकरण से बहने लगता है। इसलिए हीन गुण वहाँ नहीं रह सकते हैं जहाँ शिव संकल्प रहता है, निराशा और भय वहाँ नहीं रहता जहाँ शिव संकल्प रहता है, क्योंकि संकुचित भाव में भय है, व्यापक उच्च भावना में भय कहाँ है। कितना ही भय का डराने वाला प्रसंग आ जाए, बड़े प्रबल विरोधियों का मुकाबला करना पड़े, बड़ी मुसीबत का घोर समय आ जाए, किंतु कोई भी सहायता करने के लिए प्राप्त न होवे, तो उस समय एकमात्र शिव संकल्प ही है जो सब कठिनाइयों से पार ले जाता है। यह शिव संकल्प धैर्य का सारथी और विजय का पिता है। जो मनुष्य शिव संकल्प करता है वही मनुष्य योग्य बात योग्य समय में उत्तम रीति से करने के लिए नहीं डरता, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ही शिव मंगलमय परमेश्वर का शुभ संकल्प सदा जागृत रहता है। यजुर्वेद के अंदर अध्याय 36 मंत्र 1 से लेकर 6 तक शिव संकल्प के 6 सुंदर मंत्र हैं, परंतु उनमें मन के तत्व ज्ञान की सब बातें रखी हैं। मन की विलक्षण अद्भुत शक्तियां और उन शक्तियों का वहां स्मरण दिलाया गया है, इसलिए पाठकों से प्रार्थना है कि वे नित्य उन 6 मंत्रों का अवश्य मनन करें। वास्तव में सब वेद ही शिव संकल्प मैं है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। वेद मंत्र और शिव संकल्प, वास्तव में सब वेद के मंत्र शिव संकल्प ही हैं। वेद के सूक्त सच्चे सुवक्तियों से भरे हैं, उत्तम वचन अर्थात वेद के सुभाषितों के समान भाव मन में रखने उचित है और उन्हीं बातों को बोलना और सुनना चाहिए। मनुष्य का निरुत्साह हटाने वाले वेद मंत्र ही हैं, इसलिए उद्धार की इच्छा करने वाले लोगों को वेद के मंत्रों का भाव मन में धारण करना चाहिए। देखिए वेद के मंत्र के कैसे भाव हैं। ओम अहमिन्द्रो न पराजिज्ञा इत धनम न मृत्यवेयवातस्थे कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचिता वसून मे पूर्वः साख्ये रिसाथन अभिदमेके मेको अस्मि निस्सालहि द्वाकिमु त्रयः करन्ति खलेना परशान प्रतिहन्मि भूरि किं मानिन्दन्ति शत्रुय निन्द्रा। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 48। अहम इंद्रो, मैं इंद्र हूँ अर्थात इंद्रियों का स्वामी हूँ। न पराजिज्ञ, जो कभी पराजित नहीं होता। इद्धनम न मृत्यवे अवतस्थे, मैं अपने ऐश्वर्य के कारण किसी से पराभूत नहीं हो सकता, अर्थात मेरा ऐश्वर्य मेरा बल किसी अन्य से न्यून नहीं है, मेरा कभी पराभव नहीं होगा, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ, सदा मेरा विजय ही होता रहेगा, बुरी अवस्था मेरे सन्मुख खड़ी नहीं रह सकती है, कितना भी कठिन प्रसंग आ गया तो भी मैं उसका साहसपूर्वक सामना कर सकता हूँ, मैं आपत्तियों से नहीं डरता हुआ अवश्य अपना सीधा मार्ग क्रमण करके
करके अपने उच्चता को प्रकाशित करूंगा। मृत्यवे कदाचन न अवतस्थे, मैं कदापि नहीं मर सकता, मैं अमर हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगा। जल से मैं गीला नहीं होता, आग मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकता, पृथ्वी से मुझे ठोकर नहीं लग सकती, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं सबका प्रेरक स्वामी हूँ। मैं अपने आत्मस्वरूप को कभी नहीं भूलूंगा। बाल्य, तारुण्य, वृद्धावस्था, मैं भिन्न और स्वतंत्र हूँ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से भी मैं परे हूँ। जन्म मरण से मैं दूर हूँ। मैं आज और अविनाशी हूँ, मुझे मृत्यु का भय नहीं। मैं व्याधि और बीमारियों से परे हूँ। शरीर से भिन्न मैं अभिकारी आत्मा हूँ। इस उच्च स्थिति से मुझे कोई दूसरी शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती है। सोमम सुनवंतः इत वसु याचत। हे लोगों, अग्नि और सोम, ये दो शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान हैं। शांति और प्रसन्नता देने वाली सोम शक्तियाँ आपके मन के अंदर ही हैं। उस सोम के शांतिपूर्ण रस का पान करते हुए वसु अपने निवास के साधनों को प्राप्त कीजिए। मैं अपने शांत शक्ति को अपने स्वाधीन रखता हुआ अपने निवास के लिए योग्य साधन सामग्री को प्राप्त करता हूँ। मैं आत्मा, इंद्र अथवा अग्नि रूप हूँ और इस शरीर में मेरे से भिन्न सब शारीरिक शक्तियाँ सोम रूप हैं। इन सोम शक्तियों से मैं योग्य उपयोग लेता हुआ अपना विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। हे पूर्वः, मैं सखे न रिसाथन। हे नागरिकों, हे सज्जनों, मैं जो आत्मा हूँ उसकी मित्रता करने से किसी का नाश न होगा। आत्मा का विचार, आत्मशक्तियों का चिंतन करने और अपनी शक्ति पर विश्वास रखने वाले मनुष्यों का कभी नाश नहीं हो सकता है। आत्मविश्वास, आत्मसाहस और आत्मज्ञान ही सब उच्चता का एकमात्र साधन है। एकः अस्मि, मैं अकेला हूँ, मैं आत्मा अकेला ही हूँ। मन, चित्त, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां आदि मेरे से भिन्न शक्तियाँ बहुत हैं, परंतु हे विविध शक्तियाँ धारण करने वाले विविध इंद्रियों, यह आप न समझे कि आप मेरा मुकाबला कर सकोगे। मैं अपराजित आत्मा। इंद्रम इदम एकम निशान अभिहित। इस एक इंद्रिय के ऊपर मैं अपने विलक्षण सामर्थ्य और शक्ति के कारण अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। मैं इंद्रियों से परास्त नहीं हो सकता हूं। एक एक इंद्रिय चाहे जितना प्रयत्न करे, उससे कभी मैं पराजित नहीं हो सकता हूँ। मैं इंद्रियों को संयम द्वारा अपने अधीन ही रखूँगा। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं निशांग सबसे अधिक बलवान हूँ। अभिद्वा किमुत्रय करन्ति। हे इंद्रियों, आप दो अथवा तीन क्यों इससे भी अधिक मिल जाओगी तो भी आपसे मेरी क्या हानि होगी। मेरी शक्ति आपके अंदर जाकर आपके द्वारा कार्य कर रही है, इसलिए मैं आप सबका नियंता हूँ। आप मेरा पराभव नहीं कर सकते हैं। आप सबका दमन करके आपको मैं ही स्वाधीन रखूँगा। आप सबको मैं ही अधीन रख सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा अर्थात इंद्र हूँ। इसलिए आप सबको मेरे अधीन रहकर ही कार्य करना हो। परसान खले न भूरी प्रतिहन्मी। जिस प्रकार धान को चक्की में बहुत प्रकार से पीसा जाता है अथवा घास के गट्ठों को पत्थरों पर अनेक बार मारने पर भी पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार इन शत्रुओं को मैं पीस डालूंगा अथवा उनके हमलों से मेरा किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होगा। मैं स्थिर और दृढ़ हूँ और ये मेरे सब शत्रु
सबके सब कच्चे और कमजोर हैं, इसलिए मेरे द्वारा पीसे जाएंगे। मेरे शत्रुओं का मैं ही पराभव निश्चय से करूंगा। अन इंद्राः शत्रवः मानिनन्ति निंदन्ति किम्। क्या आत्मज्ञान न रखने वाले मेरे शत्रु मेरी निंदा कर रहे हैं? करने दे, उनकी निंदा की मैं परवाह नहीं करता। उनकी निंदा से मैं अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि निंदा करने से मेरी वाणी में अशुभ शब्द आ जाएंगे और मेरी वाक तृत्व शक्ति मलिन होगी। इसलिए निंदा का स्वभाव शत्रुओं के पास ही रहे। मैं कभी निंदा करने वाला नहीं बनूंगा। जो निंदा करना चाहते हैं बेशक करें, मैं उनके बुरे शब्दों के कारण अपने सत्य मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। यही मेरा पक्का दृढ़ निश्चय है, यही मेरी पूर्ण प्रतिज्ञा है। मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं इंद्र, मेरी शक्तियाँ सर्वत्र फैल रही हैं, सब शरीर भर मेरी शक्तियाँ हैं, कार्य कर रही हैं। वेद के उत्साहपूर्ण मंत्र इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। यही विचार सबको मन में सदा धारण करने उचित है। मन कल्पना करता ही है, प्रथम उसको सम्यक कल्पना संकल्प करने का अभ्यास कराइए। जब उत्तम कल्पना वह करने लगे, तब शुभ संकल्प शिव संकल्प केवल श्रेष्ठ उत्तम विचार ही करने का अभ्यास कीजिए। बुरे विचारों का ख्याल तक मन में ना आ जाए, ऐसी अवस्था उत्पन्न कीजिए। शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभाचार, ये तीन बातें हैं जो श्रेष्ठता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध करते हैं। कदाचित प्रिय पाठक मन में संदेह होगा कि ऐसा मानने और कहने से क्या हो सकता है, कल्पना मात्र से क्या होगा। ऐसी शंका करने वालों से इतनी ही नम्र प्रार्थना है कि केवल एक महीने भर उक्त वैदिक विचार ही मन में रखिए। अशुभ भावनाओं को एक मास तक दूर कीजिए। मुझे निश्चय है कि एक मास के पश्चात आप उक्त शंका करेंगे ही नहीं। देखिए, अनुभव सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है।